वेलकम स्टूडेंट टू सुपर नॉलेज पॉइंट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि 9th आईसीएसई बोर्ड के सारे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिले और आप बोर्ड से पहले आपके वीडियो सारे तैयार हो जाएं, तो ताकि आप उनसे पढ़ सकें और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो गाइस चलिए आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का पार्ट नंबर 3 है। कौन सा पार्ट है गाइस? पार्ट नंबर 3। हमने पार्ट 1 में फॉर्मूला डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे, और पार्ट 3 में हम फिर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को जो स्टार्ट करना था वो हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था? 7th क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग को 7th क्वेश्चन स्टार्ट करना था। तो इसमें हम लोग से कहा गया है द गिवन फिगर शोज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये जो फिगर है वो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल शो कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखिए ये पूरा जो ट्रायंगल है, रुकिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये जो पूरा ट्रायंगल है ये वाला आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पूरा ट्रायंगल है ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन जो इसके अंदर ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड है ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, कौन सा? बी। इसे हम लोग डी मान लेते हैं, बी डी सी। तो ये वाला ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब हम लोग को क्या करना निकालना है? जो शेडेड पोर्शन है ऊपर वाला, उसे हम लोग का क्या निकालना है? एरिया निकालना है हम लोग को उसका। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ए बी सी की, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? ए बी सी ट्रायंगल की। तो ए बी सी ट्रायंगल में हमने पहले क्या किया? इसका हाइपोटेनस निकाल लिया। मतलब सॉरी गाइस, हाइपोटेनस ये होता है हम लोग के पास है परपेंडिकुलर, ये होता है हम लोग के पास, और बेस ये होता है हम लोग के पास है परपेंडिकुलर निकाल लेते। हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया, कितना आया? रूट 192। अब हम लोग ने क्या किया? एरिया जो होता है, मैंने अभी आपको बताया एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आप किसी भी, मतलब किसी भी का मतलब आप किसी भी फार्मूले पे, किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लग गया है, तो हाफ बेस इंटू हाइट आया हम लोग का, हाफ बेस इंटू हाइट आ गया। तो देखिए अब ये कितना आ गया हम लोग का, हमने वैल्यू रखी तो हम लोग का आ गया 4√92। अब देखिए तो जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है हम लोग का एरिया, अब हम लोग उस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला है, अब हम लोग इस वाले दूसरे ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हम लोग का एरिया निकाला है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, उसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे उसको पुट करेंगे। तो देखिए गाइस पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया? हमने उसको पुट तो कर दिया भैया, हमसे क्वेश्चन बोला उसे पुट करो, तो हमने पुट किया। ए बी सी डी इक्वल टू √3/4 और साइड आई हम लोग 8 स्क्वायर, तो ये आ गया हम लोग का 16√3। अब देखिए ए बी सी डी क्या आया गाइस हम लोग का? ए बी सी डी तो 4 ए, तो हम लोग को अगर ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए बी डी ट्रायंगल का, तो हम लोग जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है उसमें हम लोग क्या करेंगे? पूरे ट्रायंगल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो हमने वही किया और यहाँ पे हमने वैल्यू फिट की, उसके बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन। सो गाइस ये आज मैं आपको इस वीडियो में 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको ये पूरी एक्सरसाइज लग जाए। तो गाइस फिर हम लोग इसके बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग से कहा गया है, यहाँ से हम लोग को कहा गया है कि जो निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है? फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन। उसमें हम लोग को क्या करना है? एक क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या निकालना है हम लोग को? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, पर उसमें आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें दो ट्रायंगल अंदर बन रहे हैं। क्या बन रहा है गाइस? उसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं गाइस? उसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये दो ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ट्रायंगल बन रहा है ए डी सॉरी, एक आपका बन रहा है ए डी बी और एक जो बन रहा है वो है डी बी सी। तो ये दो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं? एक ये वाला एक ये वाला। तो ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं हम लोग इनका, इन दोनों को प्लस कर दे तो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला आ जाए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? दिया गया है तो जो एंगल बी है, एंगल बी आप देख पा रहे होंगे
आई होप आप एंगल भी देख पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको एंगल भी ये दिख रहा होगा। तो ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, मतलब वो क्या हुआ 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल मतलब उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगे। हम लोग को ये साइड पता है, ये पता है, ये भी पता है और ये भी पता, पर ये नहीं पता। कौन सी नहीं पता देखिए, हम लोग अभी मतलब हम लोग इसमें लिख लेते हैं हम लोग को कौन सी साइड नहीं पता। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, द फाइंड द एरिया ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज गिवन बिलो। इफ द इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मतलब इसमें दिया गया है हम लोग के पास क्या दिया गया, ए बी 8 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया गाइस हम लोग के पास, ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ओके गाइस ए बी 8 ही तो है बस, उसमें हम लोग क्या करना है देखिए, ये जो ए बी है ये वाली साइड ये है हम लोग की 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ए डी, ए डी मतलब ए डी कौन सी, सॉरी गाइस ए बी ये 8 सेंटीमीटर है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हम लोग की 8 सेंटीमीटर है, ए डी 10 सेंटीमीटर है और बी डी मतलब ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर और डी सी 13 है। तो हम लोग को ये वाली साइड निकालनी है, तो हमने राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा कि वाली साइड हम लोग ने निकाल लेंगे। हम लोग को क्या करना है इसमें, हम लोग एक साइड निकालना है, तो वो साइड आई होप आप निकाल पाएंगे। उसमें क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद उस साइड को निकालेंगे। तो देखिए गिवेन ए बी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल 12 सेंटीमीटर और डी सी इज इक्वल 13 सेंटीमीटर एंड ट्रेंगल डी बी इज इक्वल 90 डिग्री हम लोग को दिया था। अब हम लोग उसमें क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बी सी इज इक्वल टू रूट डी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर दिया गया था हम लोग के पास माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये आ गया हम लोग का 5 इसका स्क्वायर। तो क्या हुआ, तो पेरीमीटर जो हम लोग का आया है वो सम ऑफ ऑल साइड, तो 8 + 10 + 13 + 5 = 36 सेंटीमीटर। अब हम लोग से ये भी कहा गया एरिया ऑफ अ ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी मीन्स ए बी डी ट्रेंगल, जैसे आप देख पा रहे होंगे उस वाले ट्रेंगल का हम लोग को एरिया निकालना, ए बी डी इस वाले ट्रेंगल का हम लोग क्या करना है एरिया निकालना है, क्या करना है गाइस एरिया निकालना है। तो उसके लिए मैंने बताया अगर आपको तीनों साइड उसमें दी गई तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोज फार्मूला। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रेंगल डी बी सी, तो जो आया हम लोग का वो आया 39.6। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।